सबसे पहले हम लाइट रूम को ओपन कर लेते हैं और हमें जो भी फ़ोटो को एडिट करना है उसको हमने यहाँ पर ऐड कर लिया है। फोन को हम उल्टा कर देते हैं थोड़ा। अब इसको हम लाइट में जाते हैं और थोड़ा सा एक्सपोजर को बढ़ा देते हैं, 23 रख दें, 30 रख देंगे। बाद में कॉन्ट्रास्ट को थोड़ा सा बढ़ा कर हम 4 तक कर देते हैं। हाईलाइट को हम -31 तक कर देते हैं। शेडो को भी थोड़ा सा माइनस में कर देते हैं, -30 डन है। बाद में ये वाइट्स को -6 तक रहने देते हैं और ब्लैक को थोड़ा सा हम हल्का सा माइनस करेंगे, -30 परफेक्ट है। उसके बाद में जाते हैं कलर टूल पर और टेम्परेचर को थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे, 4 परफेक्ट है। और उसके बाद में जाते हैं कलर वाला टूल पर और रेड का व्यू को हमें एकदम माइनस में कर देना है, -100 परफेक्ट है। और इसकी सेचुरेशन को थोड़ा सा बढ़ाते हैं, 20 एकदम परफेक्ट है। इसके बाद ल्यूमिनस को हम थोड़ा सा माइनस में कर देते हैं, -31 परफेक्ट है। उसके बाद ऑरेंज टोन में यू को हम थोड़ा सा माइनस में करते हैं, -26 परफेक्ट है। उसकी सेचुरेशन को थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे, 20 परफेक्ट है। सेचुरेशन के बाद हम ल्यूमिनस को -30 तक कर देते हैं, थोड़ा सा हल्का सा नहीं थोड़ा सा कम कर देते हैं, बस -8 तक रखते हैं। उसके बाद ऑरेंज टूल को थोड़ा सा आगे, व्यू को थोड़ा सा आगे कर देंगे, ये 8 परफेक्ट है। उसके बाद ये ग्रीन में सेचुरेशन को हल्का सा माइनस कर देते हैं, 24 परफेक्ट है। बाद में सभी कलर का हमें सेचुरेशन को माइनस करते जाना है, ये -43 परफेक्ट है। उसके बाद हम इसका कर देंगे -78 कर देते हैं। उसके बाद इस वाले कलर का भी हम यू को थोड़ा सा माइनस कर देते हैं, 52 परफेक्ट है। इस कलर का भी थोड़ा सा -57 पर डन है। उसके बाद हम जाएंगे इफ़ेक्ट पर और टेक्स्ट कर्व को थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे, इतना परफेक्ट है। क्लियरिटी को थोड़ा सा माइनस में करेंगे, नहीं माइनस में नहीं, बस -4 परफेक्ट है। विग्नेट को थोड़ा सा कम कर देते हैं, -14 परफेक्ट है। बाद में मिड पॉइंट को भी हम थोड़ा सा कम कर देते हैं, ये 48 परफेक्ट है। हाईलाइट को थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं, ये हाईलाइट 11 रखते हैं। उसके बाद में सीधा जाएंगे डिटेल में और शार्पिंग को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, इसको रखते हैं हम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, रखते हैं हम 11 रखते हैं। उसके बाद में मास्किंग को थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं, उसको भी 14 रखते हैं। नॉइज़ रिडक्शन को थोड़ा सा ज़्यादा ही बढ़ाना पड़ेगा, 68 रखते हैं। बाद में इस डिटेल को कम कर देते हैं, 10 परफेक्ट है। हमारी फ़ोटो एकदम स्मूथ, थोड़ी सी ज़्यादा ही स्मूथ हो गई है, थोड़ा सा कम कर देते हैं, ये 30 कर देते हैं। उसके बाद में कलर नॉइज़ रेडिएशन को 23 परफेक्ट है। अब हमारी फ़ोटो एकदम परफेक्ट हो गई है, यहाँ पर आप देख सकते हैं स्मूथनेस को थोड़ा सा कम कर देते हैं, 23 तक ये परफेक्ट है।
अब हम देखते हैं बिफोर आफ्टर, ये देखिए बिफोर आफ्टर बिफोर आफ्टर बिफोर आफ्टर, फोटो एकदम स्मूथ हो चुकी है, आप देख सकते हैं यहाँ पर एकदम स्मूथ हो चुकी है, पहले में और काफ़ी फ़र्क है। मैं अब सिंपली इसको सेव वाला आइकन बता के सेव टू डिवाइस कर देंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना।